साध संगत जी, अज आप दर्शन करांगे गुरद्वारा साहिब श्री रतनगढ़ साहिब, जो कि श्री हजूर साहिब तो करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर होगा यह गुरद्वारा साहिब। तो जदों आप बाहरले गुरद्वारा साहबान के दर्शन करते हैं तो इस गुरद्वारा साहब भी जाने हैं। तो इस गुरद्वारा साहब की सब तो खासियत की जो मैं गल करा तो आ जी गुरद्वारा साहब की इमारत देख रहे हो, ये एक भी इट का प्रयोग नहीं किया गया। पूरी वीडियो देखियो, मिस्त्रियों ने भी गलबात की आ, ये करोड़ों रुपए का खर्चा आना वा जो कि कार सेवा वाले बाबे निभा रहे हैं इस सेवा। तो पूरी वीडियो के तो पूरी मीनाकारी दिखावे गुरद्वारा साहब के कहोजा पत्थर लगना, कितनी दूर दूर तो पत्थर आ रहा जिहड़ा इहदे विच लगना वह भी दिखावे। तो ये गुरद्वारा साहब के तुसीं जिहड़े भी वीर ने हजूर साहब के दर्शन किए अक्सर ही दर्शन करने इत्थे जांदे होणगे। तो चलो पूरी वीडियो भी देखते हैं, अगे गलबात भी नाल दी नाल चलती रहेगी। तो पूरे गुरद्वारा साहब के दर्शन कराने आ गुरद्वारा साहब श्री रतनगढ़ साहब के, जो कि मैं खास करके इस इमारत की वीडियो बनाई है इस गुरद्वारा साहब की। तो वीडियो वध तों वध शेयर भी जरूर कर दिओ जी। ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਾਂ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। बाकी जिहड़ा उन्हां दा सिस्टम सरां दा जां लंगर दा, हाँ वह भी क्या कहने ही है, बिल्कुल कोई स्पर्श की लोड़ नहीं। हाँ जी संगत उत्थे जांदी आ, जाके आपका सिंपल बस आईडी कार्ड दिओ, हाँ जी, ते सरां ले लो। ठीक है लो जी दोस्तों, जिहड़ी तुहानू इत्थे गुरद्वारा साहिब विच जिहड़ा काम दिखाया, एक बड़ी बरीकी नाल ते बहुत ही सुंदर मीनाकारी की गई। हुण जिहड़े इन्हां दे हैड मिनिस्टरी आपां कह दईए जिहड़े है वह साडे कोल खड़े ने। भाई साहब नाम क्या है आपका? मुहम्मद आरिफ। नाम मुहम्मद आरिफ जी। मुहम्मद आरिफ जी ये बताओ कि यस पहले तो इसी से शुरुआत करते हैं जी। जैसे ये पत्थर कौन सा है? ये पत्थर है वैसे सर, ये वियतनाम का पत्थर है, वियतनाम को बोलते हैं। ठीक है। जो मकराना संगमरमर वो अलग है, बाबा जी ने इसको भी सिलेक्ट किया वियतनाम यहाँ पे लगाने के लिए, वियतनाम। तो इसमें क्या वो जो इसकी क्वान्टिटी के हिसाब से ना ये पत्थर मतलब सेम एज इट इज क्वालिटी का रहता है, वाइट है, मतलब वाइटनेस के हिसाब से। ठीक है, ये ऐसे वाइट ही रहेगा? हाँ जी। भी टाइम पाकर इसका जो कलर है थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, वैसे हल्का सा थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन वैसे तो करीब तो वाइट रहता है, लेकिन ज़्यादा कहीं कोई कुछ सुनने में है जैसे कहीं शिकायत होती है इसमें। अदरवाइज नहीं, ये कलर इसमें जो है? हाँ जी, नहीं कलर में नहीं, पत्थर में, इसमें पत्थर। अच्छा अच्छा। एक ये जो है ये बीच में से ये फिलिंग की हुई है, ये पेंटिंग है या क्या? ये पत्थर है सब, पूरा पत्थर है, ये पत्थर को बारीक काट के इसमें फिलिंग की हुई है। ओके, नहीं पत्थर को कैसे पहले कैसे किया है ये बड़ा पत्थर? थोड़ा सा डिटेल में बताओ। पूरा बड़ा पत्थर रहता है। ठीक है। तो उस पे फिर ये जैसे जैसे ये आप जो डिजाइनिंग देख रहे हो, हाँ जी, उसी डिजाइनिंग के हिसाब से उसमें मतलब पेन फेर के मतलब तराशा जाता है, तराशा जाके फिर उसको तराशते, मतलब पेन से जो मार्किंग करके फिर उसको तराशते हैं। ठीक है। फिर उसी हिसाब से इसको ये जो टुकड़े दिख रहे हैं उनको ज्वाइंट किया जाता है, ज्वाइंट करके फिर इसके अंदर जो इसका ये जो साचा है ये पत्थर का, इसमें ऐसा साचा बनाया जाता है इस साइज का, मतलब ठीक है, साचा बनाया गया, फिर उसमें ये फूल जो वगैरह जैसे भी अपन डिजाइनिंग देना चाहे वो फिट कर दिए, जो पत्थर है बना के वो फिट कर दिया जाता है, तो फिर उसको लेमिनेशन कर दिया, लेमिनेट कर दिया जाता है केमिकल। ये जो ये देख रहे हैं हम, जैसे ये फूल है जी, ठीक है, ये कलरफुल है, ये कोई कलर ऐड किया हुआ है या पत्थर ही है? ये पत्थर ही है सर, ये भी पत्थर है बिल्कुल, उसको बिल्कुल बारीक तराश के इसमें पेस्ट कर देते हैं बिल्कुल जी जी। अगर हम बात करें भैया ये एक पूरे पत्थर की इतने की है ना? जी जी। तो इसमें कितना टाइम लग जाता है और कितना खर्चा आ जाता है एक एक की बात करें? अगर इसकी बात करें अपन तो इसमें कम से कम लग जाते हैं 10 से 15 दिन लग जाते हैं एक को। हाँ बिल्कुल ठीक है। और तो इसमें खर्चा भी देखो आप कम से कम 2000 रुपये फीट का खर्चा है सब, कम से कम समथिंग 2000 रुपये फीट। स्क्वायर फीट? हाँ स्क्वायर फीट सिर्फ। नहीं टोटल इंक्लूडिंग दी जो पत्थर का प्राइस विच ऐड करके या उसके अलावा? पत्थर के अलावा, पत्थर के अलावा सिर्फ जो मीनाकारी का है, जो मीनाकारी का है वो 2000 रुपया। ये पत्थर अलग है, ये पत्थर अलग है, मतलब वाइट वाला जो है ना। ओके, ऐसे देख रहे हैं ये मेरे इसके पहले ये सेम ही पीस है या गोला लगाया हुआ है इसके ऊपर? इस पे गोला लगा हुआ है। ठीक है, इस पे गोला लगा हुआ। ठीक है, डिजाइन के हिसाब से इसको सेट, डिजाइन के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो ये अभी कितना टाइम हो गया काम चलते को? एक साल हो गया हमें तो। अच्छा, एक साल से ऊपर ही हो गया। हाँ। अभी और कितने टाइम में ये कंप्लीट होगी? ये कम से कम 1.5-2 साल लग जाएगा इसको, अभी 1.5-2 साल जी। ठीक है, थोड़ा बाहर की तरफ भी देखते हैं।
जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर जो पत्थर आपने व्हाइट वाला लगाया है और बाहर की तरफ दूसरा लगाया है ना? जी जी, तो ये सारी सभी डिजाइनिंग ये आपकी है? जी बिल्कुल हमारी। पहले ये बताओ कि जैसे ये डिजाइन किया हुआ है जी, ये भी हैंडमेड है? बिल्कुल हैंडमेड है सर, पूरा बिल्कुल, कोई भी इसमें कुछ भी मशीन से नहीं है, सब हैंडमेड है। हैंडमेड होता है? बिल्कुल, सभी प्लेन आते हैं, बिल्कुल प्लेन पत्थर है वो पड़ा है जो आपके सामने। हाँ। उसको हम तराश के फिर ये सब ये गड़ाई वाला जो काम होता है, ये पत्थर है या ये सीमेंट या? नहीं सर ये पत्थर है। अच्छा, ये राजस्थान का पत्थर है, सैंड स्टोन बोलते हैं इसको। अच्छा जी, इसको सैंड स्टोन बोलते हैं, मार्बल नहीं, इसको सैंड स्टोन बोला जाता है। हाँ थोड़ा सस्ता है मार्बल से। ठीक है, लेकिन आपकी जो मीनाकारी जो करते हो इससे तो ये बहुत महंगा हो जाता होगा? हाँ इससे ये कारीगरी करके ये महंगा हो जाता है। बिल्कुल जी जी, अभी जो जहाँ पे ये पत्थर लगा हुआ है जी जी, बोले तो इसका जो प्राइस है वो मीनाकारी का है, पत्थर का नहीं? इस पत्थर का ही नहीं, मीनाकारी का है। अभी ये जो है अभी कंप्लीट है फुल, जहाँ इसके ऊपर कोई अभी इसका अगर बाबा जी चाहेंगे तो घसाई वगैरह भी होगी इसकी, तो सैंपल उधर, हाँ पॉलिश वगैरह होगी, पॉलिश होगी, वो सैंपल उधर है, पॉलिश का सैंपल इधर है, आप देख लो एक सैंपल किया। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ये ऐसा है भी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। और जो आपका जो एक साल का काम तो भी हो गया, तो अभी तो बहुत काम पड़ा है, अभी तो पूरा ही पड़ा है अभी तो। हाँ, कम से कम डेढ़ दो साल लग जाएगा, दो साल और लगेगा। जी जी जी। और आपका अगर खर्च की बात करें सर, ये पत्थर की आपकी जी जी जो कारीगरी किया सभी मिलाकर कितना खर्च आ जाएगा? हमारा तो देख लो, ये अगर कार्विंग की इस पत्थर की बात करें तो कम से कम आ जाएगा 3 से 4 करोड़ आ जाएगा। अच्छा बाबा जी, और कारीगरी अलग? हाँ कारीगरी अलग है, उसका तो ज़्यादा आ जाएगा। हाँ जी जी, ठीक है। तो पूरी बिल्डिंग पर यहाँ जो लगा ये भी, यहाँ भी यही लगाना है? हाँ यही लगेगा पूरा, पूरा अभी यही लगेगा, ये लाल वाला जो पत्थर दिख रहा है सैंडस्टोन यही लगेगा पूरा। जो पहले जो मीनाकारी की थी सीमेंट के साथ वो? हाँ। नहीं होगी? नहीं नहीं, सीमेंट नहीं है इसमें, सीमेंट सिर्फ अंदर जो इसके फिलिंग करते हैं ना अंदर। हाँ। इसको चिपकाने के लिए बस, वही है सीमेंट, बाकी कोई कहीं नहीं। नहीं जैसे पहले जो बार किया हुआ था, हाँ वहाँ साइड पे देखा ना हमने, वहाँ पे सीमेंट पे हाँ वो फुल डिजाइन किया हुआ था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उसको रिमूव करना है? हाँ उसको सब रिमूव होगा। okay. सब रिमूव हो जाएगा बिल्कुल, ऐसे ही एज इट इज जो आपको दिख रहे हैं ना ये बुकारचे, इसी टाइप के बनेंगे। बाहर से बिल्डिंग का जो नक्शा होगा जो दिखने में देख ऐसी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे अंदर से वो वाइट हो जाएगी, वाइट हो जाएगी अंदर से, वाइट रहेगी। ठीक है जी। तो आप एक साल से यहाँ पर ही हो? बिल्कुल हाँ, पक्का तो है, आते जाते रहते हैं वैसे। हाँ वो तो जाना तो पड़ता है, तो देख लो भी काम तो यहीं पे चल रहा है। हाँ बिल्कुल, काम यहीं पे। मकराना आपसे यहाँ से कितने दूर होगा? यहाँ से होगा कम से कम 1500 किलोमीटर होगा। 1500 किलोमीटर? ठीक है भाई, तो आपका तो काम ही ऐसा है, बढ़िया बड़ी बिल्डिंगें मिलती है, तो आप तो मेरे हिसाब से घर में रहते ही नहीं होगे ना? हाँ बहुत कम रहना पड़ता है, बाय चांस कोई काम रहता है तो फिर कहीं भी जाना पड़ता है। आप अभी 1500 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बन जाता है अगर देखा जाए, और आने वाले टाइम में हो सकता है 2000 किलोमीटर पर भी जाना पड़े, 3000 पर भी जाना पड़े। बिल्कुल, विदेश अगर फॉरेन का भी टूर रहेगा तो वहाँ भी जाना पड़ेगा, ऐसी बात होती है। ठीक है जी, ठीक है। तो आपकी जो ये काम है, ये आपका जद्दी काम है, पुराना चल रहा है? बिल्कुल, ये तो हमारे पैतृक रगड़ाई का कम से कम होगा 100 रुपये 150 रुपये फीट पूरा, जिसमें डिजाइनिंग पत्थर, इस पत्थर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हाँ, हाँ। तो इस पत्थर का हो गया पूरा डिजाइनिंग पत्थर से समेत हो जाएगा 7 से 8 हज़ार रुपये होगा इसका, एक पत्थर का, एक पत्थर रगड़ाई वगैरह करके पॉलिशिंग। बिल्कुल बिल्कुल, करोड़ों में जाएगा। तो ये एक साल तो आपको होगा, उसके पहले ये बन रही है, कितने साल हो गए ये बिल्डिंग बनते? ये देखो इसमें भी एक ईंट नहीं है, सब सरिया का पूरा सीमेंट। अच्छा? ईंट एक भी नहीं इस बिल्डिंग में, ईंट नहीं लगाई, एक भी ईंट नहीं है सारी बिल्डिंग में, सारी बिल्डिंग में कहीं पे भी पूरा सरिया है, सीमेंट है। अच्छा जी, बिल्कुल पूरा सीमेंट और बिल्कुल पूरे सरिया सीमेंट से बनी है पूरे ऊपर तक, बिल्कुल ईंट का कोई भी प्रयोग नहीं, बिल्कुल भी नहीं साहब इसमें एक भी पीस नहीं ईंट। अब ये तो बाबा जी पता है मेरे हिसाब से आ गया होगा कम से कम 2-3-4 करोड़ का आ गया। इसमें सरिये देखो कितने मोटे मोटे लगे हैं, आप देखेंगे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इतने मोटे मोटे सरिये, बहुत ज्यादा मोटे मोटे, बिल्कुल ईट एक भी नहीं है इसमें, बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल ईट नहीं है, बिना बिना बहुत बढ़िया।
बाबा विशेश्वर सिंह जी हैं यहाँ के, हाँ जी, उनका थोड़ा है, उन्हीं का बस योगदान है यहाँ पे, माइंड उन्हीं का चलता है, और बड़े बाबा जी की देख रेख में होता है सब काम, और बलविंदर सिंह जी की देख रेख में। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद भाई आपका, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, थैंक यू, बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने लिए वीडियो में कर दो शेयर, बात तो बात। ये राजस्थानी पत्थर है, हाँ जी, धौलपुर पत्थर है, लाल पत्थर है, ठीक है, तो मकरण से आए हम, ठीक है, इसकी कढ़ाई कर रहे हैं, तैयार करके गुरुद्वारे में अंदर लगेंगे, ये पिलर तैयार कर रहे हो, हाँ ये पिलर, ठीक है जी, इस तरीके से तैयार हो जाएंगे, ये पिलर अभी रेडी हो, अच्छा ये रेडी हो गया, ये रेडी हो गया, लगेंगे, तो ऐसे पहले इसको चौस काट लेते हैं, चौस करते हैं, इधर हाथ ये पत्थर मतलब पहला कटाई हो के थे, उसको बाद ये थे जड़ी सारी मीनाकारी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई, आपका इमरान, इमरान, ठीक है इमरान जी, बहुत बढ़िया मीनाकारी आपकी, ओके धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद।